सो गाइस, ये प्रॉब्लम है मॉइस्चर की मेरी कार के अंदर। काफ़ी टाइम से ये प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुई थी इस लाइट, ये पोर्शन जो लाइट का है, ये राइट साइड का। यहाँ मैंने इंश्योरेंस से गाड़ी को ठीक कराया था, ये मेरी ख़राब हो चुकी थी। और उन्होंने इंश्योरेंस के टाइम पे कैप, देख रहे हो पीछे यहाँ पर एक कैप होती है, वो कैप मिसिंग है। उन्होंने यहाँ पर कैप लगाना भूल गए, तो मैंने यहाँ पर डैम्पिंग शीट है इससे इसको क्लोज़ करवाया कि ताकि अंदर मॉइस्चर ये कहीं से ढूंढे ना, क्योंकि गाड़ी की लाइट्स अंदर जब टेम्परेचर डिफरेंट होता है सर्दियों में, और तो फिर वो किस कहीं ना कहीं से मॉइस्चर को अंदर खींच लेता है। तो यहाँ जगह रह गई थी तो यहाँ से उसने मॉइस्चर खींच लिया। ठीक है, ये देखिए मेरे हाथ में भी आपको, ये देखिए ये रहा मॉइस्चर। तो मुझे इसको निकालना था, मैंने काफ़ी स्टडी किया, बहुत देखा, तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स तरीके से लोग मॉइस्चर को निकाल पाते हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स होता है वो, लाइट खोलनी पड़ती है और बहुत ज़्यादा। अब मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर कि कैसे आप मॉइस्चर को अलग कर सकते हैं। ये देखिए, ये मैंने बनाया है, ये सैनिटरी पैड है, कुछ भी नहीं है, सैनिटरी पैड है। इसको मैंने धागे बांध दिया और सैनिटरी पैड को यूज़ करके मैं इसके अंदर इसको डाल दूँगा। और फिर मैं क्या करूँगा, पहले यहाँ पर गर्म पानी डालूँगा, आप देखना वीडियो के अंदर, गर्म पानी डालूंगा। फिर गर्म पानी डालने से ही अंदर भाप बनेगी और भाप को वो जो सैनिटरी पैड है वो इसको सोख कर लेगा। ये तरीका कितना कारगर है आपको इस वीडियो के अंदर पता चल जाएगा, और हार्डली एक घंटे में आपको पता चल जाएगा क्या इसका वो है। चलो देखते हैं, पार्ट है उसको यूज़ करके मैंने उसको अंदर डाल दिया है, वो रहा सैनिटरी पैड, आपको दिख रहा होगा थोड़ा ज़्यादा अंदर, ज़्यादा और अंदर करता हूँ, ये लीजिए इसको बिल्कुल अंदर कर दिया, लेट्स सी देखते हैं कैसे होता है। तो मैं इस पर गर्म पानी डालूंगा, यहाँ पे गर्म पानी यहाँ डालूंगा, एंड फिर देखते हैं कि ये गर्म पानी जब यहाँ डलेगा तो अंदर थोड़ा गर्म इन्वायरमेंट होगा, तो फिर शायद भाप बनेगी, तो भाप बनेगी तो कहीं तो रास्ता ढूंढे ही जाने का, तो शायद वो सैनिटरी पैड इसको सोक कर लें। लेट्स सी देखते हैं, गर्म पानी लेके आता हूँ, गर्म पानी लेके आ चुका हूँ, ये देख लो अभी बिफोर, अभी देखते हैं कुछ अगर फ़र्क आया तो बहुत अच्छी बात होगी। अभी आगे और देखता हूँ, गर्म पानी लेके आता हूँ और ज़्यादा। सो गाइस, मैंने यहाँ पर क्या किया, काफ़ी पानी डाला मैंने, बहुत ज़्यादा गर्म पानी डाला, बहुत माइनर सा डिफरेंस आया था। तो मैंने क्या किया, मैंने सोचा कि सैनिटरी पैड को अंदर रहने देता हूँ और एक घंटे के बाद आता हूँ, एक घंटे के बाद आके देखता हूँ। ये हो गया है बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट मेरा सक्सेसफुल, और मॉइस्चर जा चुका है और कुछ भी नहीं करना, कोई एक सैनिटरी पैड को बस उसको यूज़ किया, उसके ट्यूब को, उसका ट्यूब की शेप में उसको बना के उसमें धागा लगाया ताकि खींच खींच के बाहर निकाल सकूं। बस उसने क्या किया, अपने आप धूप आ रही थी, यहाँ पर धूप है, और इसने गर्म करा और भाप ने, इस सैनिटरी पैड ने जो यहाँ ये धागे से है, इसने उस सारे भाप को खींच लिया। तो मेरा ये काफ़ी अच्छा रहा, और आई एम श्योर आप लोग इसको करिएगा, कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी के पास पैसे एक्स्ट्रा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको दिखाता हूँ कि कुछ दिन के बाद इसमें मॉइस्चर आया या नहीं आया, चलिए आपको दिखाता हूँ मैंने क्या यूज़ करके सारा मॉइस्चर को सोक करवाया। ये देखिए, मैंने ये धागा बांधा हुआ था ताकि अगर मैं उसको खींचने के लिए, कुछ तो होना चाहिए ना, तो ये है सैनिटरी पैड, इसको मैंने राउंड राउंड करके इसके अंदर वो छेद करके धागा बांधा और इसने सारा सोख लिया। सीरियसली ये इतनी अच्छी चीज़ है ना, आप सबको करना चाहिए, किसी की गाड़ी में प्रॉब्लम आती है, और प्लीज़ ध्यान रखिएगा जब भी गाड़ी में कुछ काम कराए लाइट का, तो पीछे कैप होती है, वो कैप ज़रूर चेक करें, क्रॉस वेरीफाई करें कि कैप उसने लगाई है नहीं लगाई, नहीं लगाई या फिर कैप मिस हो गई, तो डैम्पिंग शीट से इसे कवर कर सकते हैं। ये देखिए अच्छे से इसको मैं कवर कर रहा हूँ ताकि आगे मुझे ये प्रॉब्लम दोबारा फेस ना करनी पड़े। तो अब चलते हैं, आपको दिखाता हूँ नेक्स्ट डे कि नेक्स्ट डे वहाँ पर ये मॉइस्चर वापस फिर से वापस आया या नहीं आया। ये नेक्स्ट
एक्सरे है, मुझे डाउट था कि आएगा तो नहीं यहाँ पर मॉइस्चर, बट नहीं आया। सो हम लोगों ने जो प्रोसेस किया था सैनिटरी पैड को यूज़ करके, दैट इज़ सक्सेसफुल। आप लोग भी कर सकते हैं, मेरी तरफ से रिकमेंड है। मैंने अपनी नई घर के अंदर इसको यूज़ करके देख लिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। बाय बाय, टेक केयर।